राफिज जी पहले उनको रोकिए जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इतने बड़े पत्रकार न बन जाए, जितने बड़े पत्रकारिता जान करते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपको नेता बने हुआ है, आपके पार्टी की क्या उम्र है जिसके प्रवक्ता आप बने हो? और मेरे ऊपर आप पर्सनल नहीं, और किसी भी डिबेट में पर्सनल हुआ जाए वो ज्यादा अच्छा होता है। डिबेट का एक डेकोरम होता है, डिबेट का एक अनुशासन होता है, डिबेट लिंचिंग कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। नीरज जी अभी आपके पास मैं आ रहा हूँ, सुरेश चंद्रा जी आपके पास भी आ रहा हूँ, मुझे पता आपके पास बहुत देर से नहीं आया, आना आपके पास है। ओके ठीक है। शिव शरण प्रसाद जी, शिव शरण प्रसाद जी, क्या कभी किसी प्राइमरी स्कूल में इससे पहले इस तरह की जातिवादी सोच की कोई खबर आई है क्या? मैं काले वाली यूनिवर्सिटी में ये पढ़े होंगे, 101% गारंटीड है, ये लोग वही के प्रोडक्ट हैं जितने ये कम्युनिस्ट हैं। अरे सर बता दूंगा, किसी दिन टॉपिक होगा आपको 50 इसमें बता दूंगा जो हमें पता है कौन से वेद से कौन से इंस्टीट्यूट का पढ़ करके आप दे रहे हो। इस पे अंग्रेजों ने बड़ा काम किया है स्कूल के प्रिंसिपल ने तोड़ने के लिए। हम अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, मुद्दे आप बताएंगे तो रजिस्टर्ड रहेंगे। हर रोज क्या बड़ा कूद कूद के बीच में आपके बीच में कूद रहा है, क्या ऑब्जेक्शन है? आप खाना किसके साथ खाना है, ये बड़ा पर्सनल और बहुत ही महत्वपूर्ण आजादी का विषय है। कोई संविधान मुझे फोर्स नहीं कर सकता है कि मैं आपके साथ खाऊं, जो आप खाते हैं मैं वही खाऊं, वो भी एक बेसिक आजादी है। इसके बाद कहा गया कि अगर ये शूद्र किसी भी कीमत पर ये लालसा प्रकट करें कि ये जो दूजों द्वारा अपनाया गया व्यवसाय है धनोपार्जन के लिए, अगर वो करते हैं तब क्या लिखा गया, सहासनम विप्रेप स्वरूप श्याम कृष्ट कृष्ट जय कट्या कृतंगो निर्वास्य है स्पीचम वास्या वकर्ते। अगर ये शूद्र दूसरे के अपना धनोपार्जन के लिए दूसरे के व्यवसाय को अपनाने की कोशिश करे तो निश्चित तौर पे राजा की जिम्मेदारी बनती है, उसके चूतड़ का उतना मांस कटवा लेना चाहिए जितना वो बैठने को। गौतम राणा सागर जी, आपने ऋग्वेद को याद करते हुए न जाने कितनी बातें कह दी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं भी एक छोटी सी बात कहूंगी गौतम राणे सागर जी को। नहीं, गौतम राणे सागर जी, एक सेकेंड गौतम जी आ रहा दोबारा आपके पास। गौतम जी अगले राउंड अप में आऊंगा, अगले राउंड अप में आऊंगा गौतम जी, अगले राउंड अप में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गौतम जी, अगले राउंड अप में आपके पास आऊंगा। एक अपनी बात शुरू करें। चलिए देखिए राशिद, चूंकि जो आपका विषय है मैं उसी पे स्टिक रहूंगा, अभी ऋग्वेद वगैरह की आज मैं बात नहीं करूंगा, कभी टॉपिक रखिएगा। ये भी जानता हूं कि आपसे बेहतर कोई कर भी नहीं सकता। नहीं मैं टाइम फालतू के उसमें, या तो आप टॉपिक चेंज कर दीजिए डिबेट का तब जाऊंगा, नहीं तो मैं इसी टॉपिक पे रहूंगा। देखिए एक बड़ी, इन्होंने जमीन से जुड़े होने की बात की है, मैं जिस गांव में रहा हूं मेरी पढ़ाई ठीक इसी तरीके के स्कूल की हुई है। मैं मानता हूं प्रथम दृष्टया जो पिक्चर मैंने देखा है, बच्चे बड़े मासूम हैं, सहमे हुए हैं, मैं ये मान लेता हूं कि ऐसी गलती की गई है तो मैं इसका खंडन करता हूं, ये चीज नहीं होनी चाहिए बच्चों में। लेकिन जरा इसका प्रोसेस देखिए, जब हम गांव में जाते थे और इंटरवल होता था तो हमें बोल दिया जाता था कि आधे घंटे की छुट्टी है, जिसको जो खाना है खाओ। हम करते क्या थे, हम अपना ग्रुप बना लेते थे, और ग्रुप हम कैसे बनाते थे, जो मेरे घर के अगल बगल के लड़के थे उसमें विभिन्न जाति के लोग थे, कभी पेड़ पे बैठ करके चढ़ के खाते थे और कभी कहीं जमीन पे बैठ के खाते थे, लाइक माइंडेड चाहे उनकी हमारी एफएनटी रही हो। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ये बच्चे एक ही ग्रुप से, एक ही घर से, अगल बगल पड़ोस से आते हो, ये साथ में बैठते हो, यहाँ पे खाते हो, पिक्चर पूरी क्लियर नहीं है। अच्छा दूसरी चीज इन्होंने बोली, एक कतार लगाई जाती है अगड़ों की पिछड़ों की, ये चीजें वो जांच में गलत पाई गई है। मुझे लगता है ना कि ऐसा कुछ नहीं है। और बर्तन वाला जो है ना, देखिए मुझे पता नहीं स्कूल में सारे लड़कों को बर्तन मिलता है, अगर सारे लड़कों को बर्तन मिलता है तब तो कोई जरूरत ही नहीं है, अगर बर्तन किसी को नहीं मिलता है तो हर लड़का बर्तन अपने ही घर से लेके आएगा ना, या तो सारे लड़कों को बर्तन मिले।
तो प्राइमा फेसी मुझे लगता है कि और इस पे जांच की जरूरत है। बढ़ते मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि छोटे बच्चों को ऐसे करके वैसे करके, इवन आप इन एमबीए क्लासेस हम लोगों का इंटरवल होता था एमबीए में, दो चार लड़के जो लाइक माइंडेड होते थे वो कहीं और खाने जाते थे, खाना किसके साथ खाना है ये बड़ा पर्सनल और बहुत ही महत्वपूर्ण आजादी का विषय है। कोई संविधान मुझे फोर्स नहीं कर सकता है कि मैं आपके साथ खाऊं, जो आप खाते हैं मैं वही खाऊं, वो भी एक बेसिक आजादी है। खाना किसके साथ खाना है ये बड़ा पर्सनल और बहुत ही महत्वपूर्ण आजादी का विषय है। कोई संविधान मुझे फोर्स नहीं कर सकता है कि मैं आपके साथ खाऊं, जो आप खाते हैं मैं वही खाऊं, वो भी एक बेसिक आजादी है। सवाल यह है कि जांच किया जाए रेदर देन इस पर राजनीति शुरू कर दी जाए और जातिवाद का पूरा अथर्ववेद को तोड़ते हुए। मैकाले वाली यूनिवर्सिटी में ये पढ़े होंगे, 101% गारंटीड है, ये लोग वही के प्रोडक्ट हैं जितने ये कम्युनिस्ट हैं। अरे सर बता दूंगा, किसी दिन टॉपिक होगा आपको 50 बता दूंगा जो अगर गलती है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों के ऊपर स्कूल के प्रिंसिपल ने ये कहा कि उन्हीं बर्तनों में सभी बच्चे खाना खाते हैं, इसीलिए हम अपने घर से बर्तन लेकर आते हैं। सुरेश जी रुक जाइए। नीरज राय, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बच्चों को जातिवाद किसने सिखा दिया? देखिए अगर कहा जाए रचना जी, तो बच्चों को जातिवाद का जो मामला उठ रहा है इसको पहले तो राजनीति से परे हटाकर बात करी जाए। वास्तविकता यह है कि प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में, हम लोग भी पढ़े हैं, गांव से ही पढ़े हैं और ऐसे ही स्कूलों से ही पढ़कर आए हैं, यहाँ से एकदम अनभिज्ञ रहते हैं बच्चे की जातिवाद भी कुछ होता है। अगर ऐसा हुआ है तो उस स्कूल का प्रशासन जो है सरासर गलत है, क्योंकि घर से संस्कार सीख कर आने की बजाय बच्चे आते स्कूल में कि उनको संस्कार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, लेकिन यह अगर हुआ है वहां पे तो सरासर इस पे इतना चर्चा करने की बजाय उस स्कूल प्रशासन को दोषी ठहराया जाए, क्योंकि बच्चे कैसे जानते हैं कि मैं दलित हूं, मैं ओबीसी हूं या मैं अगड़ी जाति का हूं। बच्चों के अंदर ये नेता लोग बैठे हैं, आने वाले समय में भी कभी आएगी तुम किसके वोट बैंक हो, अभी से सीखो स्कूल। नहीं ये नेता लोग बैठे हैं, आने वाले समय में भी कभी आएगी तुम किसके वोट बैंक हो, अभी से सीखो स्कूल में कहां नेता। देखिए अगर नेता इस पे नेतागिरी करते हैं तो उनसे बड़ी बेवकूफी करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। हम भी बचपन में स्कूल जाते थे, हम लोग भी पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग लेटेस्ट पढ़े हैं, लेटेस्ट वर्जन में पढ़े हैं, गांव से पढ़े हैं, ग्रुप बना के ना जाते बात है। नीरज जी को एक बात सुन लीजिए, एके जी हां बोलिए सर, एके जी हमारी बात सुन लीजिए, जिस गांव की बात होती है एशिया के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत का मैं रहने वाला हूं, वही मेरा जन्म कर्म, इंटर तक की पढ़ाई हमारी हुई है, आज भी मेरे साथ हर धर्म और हर मजहब और हर जाति के लड़के हैं, साथ में हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन बात यह है कि छोटे बच्चों में जातिवाद की भावना लाने का यह कुचक्र क्यों रचा गया, पहले इस पे जांच होनी चाहिए। उस स्कूल के अगर प्रिंसिपल, मैं मान रहा हूं कि नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो इतना बड़ा लेवल पे ऑन एयर आने की नौबत कहां से आ गई? नीरज जी जातिवाद। अब आप ही से दूसरा सवाल, आप ये कह रहे हैं कि जातिवाद की जकड़न में बच्चों को फंसाने के लिए कोई एक कुचक्र रचा गया है, इसके पीछे क्या कोई सबूत है आपके पास, साक्ष्य है आपके पास, या यूं ही कह दिया कुचक्र रचा गया है? अगर रचा है तो किसका रचा है ये भी बताइए। बिल्कुल यह काम, अरे राशिद भाई हर चीज से सुनिए राशिद भाई, हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ के फेंक जाएंगे आप, हर चीज को मतलब किनारे कर देंगे कि हमारे चैनल से मतलब नहीं है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, व्यक्तिगत है। अगर यह कुचक्र नहीं है तो इतना बड़ा साजिश छोटे बच्चों को लेकर आपके चैनल पर या तमाम चैनलों में यह क्यों बातें आ रही हैं? बात यहाँ पे लड़कों को शिक्षित करके अच्छे पदों पर लाने के लिए समाज के निर्माण में, अगर मैं बता रहा हूँ सर क्यों आ रही है। एके जी आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता हूँ ना, बेशक नीरज जी की बात पूरी हो जाने दें, नीरज जी की बात पूरी हो जाने दें, नीरज जी अपनी बात पूरी करें, हो सकते हैं एके जी, लेकिन हर लोगों के बीच में कूद कर अपने को परिभाषित करने का काम मत करिए। मैंने आपको पहले बता दिया एशिया के सबसे बड़े ग्राम पंचायत शेरपुर गाजीपुर में पड़ता है, पता कर लीजिए उसका इतिहास, आज भी हर तरह की व्यवस्था है वहां पे, लेकिन जातिवाद नहीं है, 2500 स्कूल चलते हैं। मैं अब वो उस लेकिन हमारे बगल के बलिया में, सुनिए आप गाजीपुर छोड़िए मुद्दे पे आइए,
हम अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन नहीं देंगे मुद्दे पर आप बताएंगे तो रजिस्टर्ड रहेंगे हर रोज क्या बड़ा कूद कूद के बीच में आपके बीच में कूद रहा है क्या ऑब्जेक्शन है आप भी कूदिए ना मैंने आपको रोका है क्या कूदने के लिए चलिए अबेके अगर जवाब आप देना चाहते हैं नीरज जी को जवाब दे थोड़े रुकूंगा जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दे आप जवाब दे रहा हूं मुझे बोलने दीजिए नीरज जी रुक जाएं मुद्दे पर जवाब लीजिए ना मुद्दे पर सवाल पूछिए एके रिस्पोंड करें जल्दी जल्दी रिस्पोंड करें एके जी क्या बोल रहे हैं जो बोलना है अपनी बात अपनी बात करें बात कर रहा हूँ मुद्दे से मैं कभी नहीं भागता अरे नीरज भाई एके जी पर्सनल कोई नहीं होगा एके फैक्ट के साथ अपनी बात करें एके अपनी बात बोले 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 देखिए सवाल ये है बात ये चल रही है मैंने इसीलिए पहले बोला कि एक तरफ देखने से मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है मैंने उसका नेचर बताया आज भी आप अपनी शादी में कहीं जाते हो तो दो दो चार चार लोग ग्रुप बना के खड़े होते हो उसको भी जोड़ दो किसी शादी की रिकॉर्डिंग दिखा के कि जी यहाँ तो फलाने चल रहा है वैसे चल रहा है आप किसी को कहीं फोर्स नहीं कर सकते शादी वाले मुद्दे में छोटे बच्चों की बात हो रही है अरे सुनिए 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 मैं शादी की बात नहीं होती वहाँ पर बच्चों ने दोस्तों में भाव होता है अलग होकर के दो चार लोग खाना खाते हैं वहाँ पर जाति वाले के नहीं होता बच्चे लोग जो चार लोग अलग बैठे हैं मैंने पहले ही बोला है सवाल सवाल आपका ये था अपनी टीम से मैं बात बार यही कहूंगा अपनी टीम से बात बार यही कहूंगा बलिया के डीएम रसड़ा के एसडीएम और बलिया के रामपुर प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर लगाइए ठीक है क्या रुक जाइए ठीक है क्या रुक जाइए ओके ठीक है ओके ठीक है एके ठीक है हो गया एके हो गया सुरेश चंद्रा जी हो गया सुरेश जी हो गया अश्विनी शाही जी तृणमूल कांग्रेस के नेता नीरज राय का कहना यह है कि किसी तरह का कुचक रचा जा रहा है बच्चों को जातिवादी सोच की जकड़न में जकड़ने के लिए एक साजिश की जा रही है इसका जवाब दें नीरज राय का जवाब दें अश्विनी शाही जी अश्विनी जी नीरज जी का जवाब दें सलूशन के लिए बात हो गया शोरगुल हो गया अश्विनी जी बोलिए इसके बावजूद अगर प्रधानाध्यापक का ये स्टेटमेंट आए कि ये इनको गांव से संस्कार मिलकर के आते हैं जिसकी वजह से ये व्यवहार करते हैं तो निश्चित तौर पे प्रधानाध्यापक पूरे के पूरे दोषी हैं उनके खिलाफ अनुसूचित जाति उत्पीड़न अधिनियम के तहत मुकदमा कराया जाना चाहिए और दूसरी बात बहुत सारे यहाँ लोग आ रहे हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये मिड डे मील का है और मिड डे मील में किसी भी बच्चे को इतनी छूट नहीं होती कि कौन क्या खाएगा लोग अभी बताने की कोशिश कर रहे थे कौन का क्या क्या खाएगा पाबंदी नहीं लगा सकते मिड डे मील में वही चीज तो सारे बच्चे वहां पे भी खा रहे हैं ना जो मिड डे मील वहां बना होगा वही शांत रहिए बकवास नहीं शांत रहिए बकवास न करिए अभी सुनिए पहले बकवास न करिए सुनिए आप चीज को मान लीजिए कि अगर ये थोड़ी सी सलाहियत की जा सकते हो कि कौन किसके साथ बैठ के खाएगा अरे यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि कभी शादी में चले जाते हो एमबीए कर लिए शरण प्रसाद की कोशिश कर रहे थे शिव शरण प्रसाद जी सर आप शिव शरण प्रसाद जी कोशिश कर रहे थे क्या कौन खाएगा गौतम जी उपदेश बांट देंगे अरे गौतम जी गौतम जी नीरज जी एके मिश्रा जी राशिद जी पहले उनको रोकिए जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं इतने बड़े पत्रकार न बन जाए जितने बड़े पत्रकारिता जान करते हैं आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं आपको नेता बने हुआ है आपके पार्टी की क्या उम्र है जिसके प्रवक्ता आप बने हो एक और मेरे ऊपर आप पर्सनल नहीं मेरी पार्टी क्या औकात है जरा एक दिन सड़क पे आकर के देखो तुम्हें पता लग जाएगा कि पार्टियां की औकात क्या होती है गौतम जी एक जी एक रुक जाए आप दोनों ही लोग रुक जाए दोनों ही बहुत ही ज्यादा आप दोनों ही बहुत ज्यादा समझदार हैं मैच्योर हैं और किसी भी डिबेट में पर्सनल ना हुआ जाए वो ज्यादा अच्छा होता है डिबेट का एक डेकोरम होता है डिबेट का एक अनुशासन होता है डिबेट लिंचिंग कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए नीरज जी अभी आपके पास मैं आ रहा हूँ सुरेश चंद्रा जी आपके पास भी आ रहा हूँ मुझे पता आपके पास बहुत देर से नहीं आया आना आपके पास है ओके ठीक है शिव शरण प्रसाद जी क्या कभी किसी प्राइमरी स्कूल में इससे पहले इस तरह की जातिवादी सोच की कोई खबर आई है क्या शिव शरण प्रसाद जी क्या जातिवादी सोच की इससे पहले और कोई घटना हुई है क्या यूपी में किसी प्राइमरी स्कूल में नहीं फिलहाल तो नहीं हमारी जानकारी में आया ठीक है फिलहाल नहीं हुई है नीरज जी बोले जी भैया देखिए रशीद भाई जिस एक गंभीर मुद्दे पे हम लोग यहां बहस कर रहे हैं अगर इस मुद्दे पे भी हम लोग तू तू मैं कर डिबेट को अगर दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो यह
सिर्फ एक व्यक्ति और एक सामाजिक स्तर पे किसी की क्षति नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के समस्त छोटे छोटे बच्चों में एक कुभावना जो कुप्रथा चलती है वैसा निकल कर आएगा। तो यहाँ पर डिबेट हम लोगों को इस पे होना चाहिए कि गलती से भी अगर ये घटना हो गई तो निकट भविष्य में ऐसी मारक घटना होनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा हिंदुस्तान खंड खंड हो जाएगा भाई साहब। लेकिन इस पर मुंह नोचने की प्रथा जो होती है ना, मैं यहाँ पे राजनीतिक व्यक्ति बन के नहीं बात कर रहा हूं, किसी भी डिबेट में राजनीतिक व्यक्ति बन के बात नहीं करता हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि बच्चे घर से संस्कार सीख कर नहीं आते हैं, विद्यालय में शिक्षा के मंदिर में संस्कार सीखते हैं, उसी संस्कार को उनके वाणी में दर्शाता है, उनके व्यवहार में दर्शाता है। तो कैसे वो बच्चे जान गए कि दलित अलग बैठेंगे, ओबीसी अलग बैठेंगे, अगड़ी अलग बैठेंगे? अगर ये घटना घटित हुई है तो प्रथम दृष्टया नहीं आखिरी तक उस स्कूल के प्रिंसिपल से लेके अध्यापक तक और खाना बनाने वाले तक सभी लोग दोषी हैं। इस पर मीडिया ट्रायल करके अभी अश्विनी भाई साहब कह रहे थे मीडिया ट्रायल से फांसी नहीं चढ़ा देंगे हम। हाँ। लेकिन यह हमारे हिंदुस्तान के सामाजिक स्तर की सबसे एक लोचा कहा जाता है, सबसे मतलब एक कमजोर कड़ी है यह। एक बस एक मिनट मुझे दे दीजिए। सुरेश चंद्रा जी बहुत देर से नहीं बोले हैं। सुरेश चंद्रा जी बहुत बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल मेरा सुन लीजिए आप। ये जो जातिवादी सोच है यूपी से खत्म होनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना? मेरे सरकार यूपी से ही क्यों, पूरे देश से समाप्त होनी चाहिए ना। यूपी को जातिवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है, इसलिए नहीं कमी कहीं नहीं है। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के जातिवादी सोच पहले शिकार हुए होनी चाहिए, जिसको जो ज्योतिबा फुले सबसे पहले शिकार हुए ब्राह्मण के बच्चे के साथ पढ़ते थे, मायावती के जबान से ये शब्द हटने चाहिए या नहीं हटने चाहिए? दलित की बेटी हूँ, दलित की बेटी हूँ, भारत की बेटी बोले ना, यूपी की बेटी बोले ना, तो दलित की बेटी क्या होता है? जाति को मिटाओ ना, जाति पात को मिटाओ ना। मिटने कहाँ दे रहा है? मिटने ही तो नहीं दे रहा है ना। सुनिए हमें लाभ नहीं है, अरे सुनिए हमें लाभ नहीं है। सुरेश सर सुनिए, आप हमारे पैनल में सबसे बुजुर्ग है, सुनिए। जाति पात कैसे मिटा रहे हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। सड़क पे आंदोलन करना हो तो कौन से नारे लगते हैं और सीना ठोक के अपनी जाति बोलते हैं और बोलते हैं हम तो ये लेके रहेंगे, फलाने एक विद्वान थे उन्होंने हमें अधिकार दे दिया। मार्कशीट में कहीं दिखानी हो तो मार्कशीट में सबसे ऊपर पहले जाति लिखी जाएगी, तो मिटा लीजिए जाति। आप जाति मिटा रहे हो कि बढ़ा रहे हो, इतना टूल देते हो, हर जगह जाति का जिक्र आप लोग करते हो। एकेजी इसका मतलब ज्ञान नहीं है, जिस दौरान टीसी स्कूल में दाखिला होता है दाखिला रजिस्टर में जाति लिखी जाती है। अच्छा ठीक है, वही तो सुरेश जी को सुनिए, वही तो बोल हमने किया है क्या? अरे मायावती पहले नारे लगा रहे हैं, वही चीज कोई और बोल रहे तो उसको जेल हो जाएगी। चीखने चिल्लाने से बात नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ पहले जो टीचर होते थे क्या शेड्यूल कास्ट के लोग होते थे? क्यों नहीं होते थे? अरे हमने पढ़ा है, हमारे गुरुजी शेड्यूल कास्ट के थे। कब की बात है आप? ऋचा सूद जी अब आप सब लोग रुक जाएं, एक महिला भी है पैनलिस्ट के तौर पर। ऋचा सूद नीरज जी आप भी रुक जाएं, सुरेश चंद्रा जी आप भी रुक जाएं, एक एक मिनट रुक जाइए। ऋचा जी अभी थोड़ी देर पहले जब अपनी बात आपने कहनी शुरू की, आपने ये कहा कि आप तो एक पब्लिक स्कूल में पढ़ी हुई है तो वहां पर इस तरह की बातें नहीं होती है। ठीक उसी तरह मैं भी एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, कभी हमने नहीं जाना कि जाति और धर्म की सोच क्या होती है। वहां पर एक अलग तरीके की बात होती है, एक अलग तरह का पैटर्न होता है पढ़ाने का भी, और जो भी वहां पर मॉरल साइंस या नैतिक शिक्षा दी जाती है एक अलग ही टेंजेंट पे वो सारी चीजें होती हैं। क्या ये भी एक फर्क होता है क्या कि सरकारी स्कूल में ये सारी चीजें ज्यादा आ जाती हैं, पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में नहीं आती हैं? ऐसा होता है क्या? और अगर होता है तो इस डिफरेंस को मिटाया कैसे जाए? देखिए सरकारी स्कूल में मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बीइंग सामाजिक कार्यकर्ता बहुत सारी जगहों पर जाना होता है। आज भी ऐसी मानसिकता देखी जाती है और ये मानसिकता के पीछे जब तक हमारा आरक्षण का मुद्दा रहेगा, अगर आरक्षण और हमारी सर्टिफिकेट्स पे, हमारी मार्कशीट्स पे, हमारी जब एडमिशन होती है या हमारा टीसी भी कटता है तो उस पर भी जाति लिखी जाती है, तो जब तक हम जाति के इस भेदभाव में एक जड़ से खत्म नहीं कर देंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम इसे समाज से मिटा पाएंगे। हम सरकारी स्कूल की अगर बात करें, जैसा आपने मुझसे भी पूछा,
सरकारी स्कूल में मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा हो सकता होगा या होता होगा। मैं ए के मिश्रा जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि खाने की जो एक सबको आज़ादी है, अपने दोस्त चुनने की सबको आज़ादी है, वैसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक साक्ष्य हमारे सामने आया कि प्रिंसिपल साहब ने खुद स्वीकार किया कि वो संस्कार घर से आ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूँगी कि अगर ये संस्कार घर से आ रहे हैं तो प्रिंसिपल साहब को एक कदम आगे बढ़ना होगा। वो शिक्षित है, समाज को जाके शिक्षित करने की कोशिश करनी होगी। मैं जानती हूँ आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए संस्कारों को आगे ले जाने की, अच्छी बात को आगे ले जाने की। आपके चैनल, आपके थ्रू आपकी यहाँ से एक अपील की जा सकती है उनके पेरेंट्स के साथ कि इस तरीके का भेदभाव ना करें। लेकिन इसके पीछे जड़ कहाँ है? हमारे TC में, हमारा एडमिशन फॉर्म में, और हमारी जब मार्कशीट आती है या हमारा यूनिवर्सिटी एक्टिविस्ट हमारे यूनिवर्सिटी में सोशल एक्टिविस्ट क्यों ना ही पहल आपसे ही हो, सामाजिक कार्यकर्ता है क्यों ना ही पहल आपसे। एक सेकेंड विचा, मेरा कहना है कि बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट क्यों ना ये शुरुआत आपसे ही हो, बच्चों के लिए आप काम करती रही हैं, क्यों ना इस पहल को आपके ही जरिए आगे बढ़ाया जाए। आप कहिए कि स्कूल में इस तरह के जो भी पेपर वर्क से वहां से जातिवाद को खत्म कर दिया जाए। और सुरेश चंद्रा जी, देखिए बच्चे जो छोटे, एक सेकेंड, बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना, कोरा कागज की तरह होते हैं। अगर टीवी पर मायावती कहेंगी मैं दलित की बेटी हूँ, दलितों के बीच पहुंची हूँ, इतना इतना ज्यादा सुनिए, नहीं अगर इतना ज्यादा कान में दलित आएगा ना, बच्चा पूछेगा, बच्चा अपने माँ बाप से पूछेगा कि दलित होता क्या है, बच्चा पूछेगा अपने माँ बाप से कि दलित होता क्या है, इसमें चर्चा क्या करना, दलित है तो है, इसमें चर्चा क्या करना, पब्लिसिटी की होगी। एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले आप ही बोलेंगे, सुरेश चंद्रा जी आप ही बोलेंगे, रुक जाइए, मुझे हालांकि ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक क्विक रिस्पांस या रिबटल पहले गौतम जी दें, उसके बाद नीरज जी दें, फिर मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद सुरेश चंद्रा जी आपके पास आऊंगा। गौतम जी आप बोले पहले। देखिए राशिद जी, एक बेहतरीन प्रश्न आपकी तरफ से उठा है कि जातिवाद खत्म कैसे हो सकता है। जातिवाद खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि चलिए आपने वर्ण बनाया है तो जो कास्ट सर्टिफिकेट आप इशू करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का ही करने लगिए तो निश्चित तौर पे जो जातिवाद है 6,743 जातियों में बटा, 10,000 जातियों में बटा है, वो खत्म हो जाएगा, कम से कम 4 में आ जाएगा। तो 10,000 से जब हम 4 में आ जाएंगे तो निश्चित तौर, और मेरे ख्याल से समानांतर चलने में ज्यादा तकलीफें नहीं होंगी। तो ये लेके आइए कि सबको जो दूसरी उपजातियों का सर्टिफिकेट इशू होता है वो नहीं होगा, वर्ण के आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट उनको उनके इशू होंगे। एक बार ये करके देख लीजिए, निश्चित तौर पे जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। और दूसरी बार 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 जो ये कह के आ रहे हैं कि रिजर्वेशन बड़ी प्रॉब्लम है, हम तो ये भी कहते हैं कि आप इस चीज को इशू करिए, रिजर्वेशन भी खत्म करिए, पता चल जाएगा। नीरज जी वास्तव में जल्दी से बोले, मुझे ब्रेक लेना है। नीरज जी जल्दी बोले, मुझे ब्रेक लेना है। नीरज जी बोले, ब्रेक लेना मुझे। जी जी देखिए, जी 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 पता है, बात ऐसी राशिद भाई, जो डिबेट हो रहा है हम लोगों का दिशाहीन डिबेट हो गया है। छोटे बच्चों को ये पता नहीं होता कि जाति क्या होती है, छोटे बच्चों को ये पता नहीं होता है जाति क्या होती है। लेकिन इसमें जो भी चीजें हैं ऐसा जरूर सरकार किसी की हो, उस पर मुझे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, क्योंकि एक विद्यालय से मामला उठा है, धीरे से उठ के पूरे देश में न फैल जाए, उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। जो कि शिक्षक एक मार्गदर्शक के तौर पे होता है, गुरु ही प्रथम होता है, तो उसके ऊपर ऐसा रोक लगना चाहिए कि यह व्यवस्था न हो। जो चल रहा है MBA, तो ये सब नहीं होता है, पांचवी में पढ़ने वाला लड़का किताब नहीं पढ़ पाता है महाराज, तो वो कहां से जाति समझ पाएगा। ठीक है, ठीक, तो डिबेट निराधार, मतलब दूसरे रास्ते पे न जाए। ठीक है, बलिया से जब सरकारी स्कूल की तस्वीरें सामने आई जिसमें दलित बच्चे अलग बैठकर मिड डे मील का खाना खाते हुए नजर आए, तो राजधर में सवाल उठने लाजमी हो गए।
ऐसे में सवाल ये भी, क्योंकि डीएम कह रहे हैं कि चरित्र का निर्माण स्कूल में होता है, अगर यहाँ ऐसा हो रहा है तो जांच का विषय है। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि घर से ही ये शिक्षा होने मिल रही है, घर से अपने अलग बर्तन लेकर आते हैं बच्चे, ये कहते हुए कि उन बर्तनों में जो स्कूल में दिए जाते हैं उनमें सब खाना खाते हैं, सब का मतलब सब जात के बच्चे खाना खाते हैं, इसीलिए वो बर्तन अपने घर से अलग ला रहे हैं। तो ऐसे में हम क्यों कहें कि जो शिक्षा उन्हें मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल से मिल रही है, घर का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। डिबेट को एक बार फिर से ओपन कर देते हैं। सुरेश चंद्रा जी, सवाल अब मेरा आपसे ही है, क्यों जातिवाद के लिए बच्चों के छोटे छोटे मासूम बच्चों के जहन में, मन में अगर जातिवाद का जहर कोई डाल रहा है, कोई घोल रहा है, तो सिर्फ स्कूल क्यों, घर क्यों नहीं? देखिएगा घर में जो घर का भी बराबर योगदान है, घर से ही बच्चा सीखना शुरू करता है, स्कूल में तो बाद में जाता है। मैं जिक्र कर रहा हूँ, घर में जो माँ बाप है वो तो अपने आप में ही अशिक्षित है मैडम, और रोजी रोटी के ही चक्कर में 24 घंटे लगे रहते हैं। नहीं, ये आप कैसे तो वो तो संस्कार अच्छे दे कैसे पाएंगे? लेकिन मैम एक जी बात सुना करो, जब जब कोई बोले तो सुना भी करो। अभी मैडम जहां पर भी हैं, आपने भी स्वीकार किया कि भी जब माँ बाप इस तरह के उसमें लगे हैं तो कहां से संस्कार दे पाएंगे। आज पब्लिक स्कूल में हमारे समाज के बच्चे भी जाने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि ये मिड डे मील की बीमारी शुरू क्यों हुई? ये मिड डे और पब्लिक स्कूल की व्यवस्था कब से हुई? मेरी पूरी संभावना है कि मैम को भी ना मालूम हो। जब 1932-34 तक पूना पैक्ट चला, पूना पैक्ट में जब बाबा साहेब ने शिक्षा का अधिकार ले लिया, तो बाबा साहेब कभी कभी अंग्रेजों के सामने कह दिया करते होंगे कि आपको मैं 500 विद्वानों के बराबर नजर नहीं आता, तो वो तो स्वीकार कर लेते थे, लेकिन जिनके सामने कहते थे उनको तकलीफ होती थी। तो 1935 में दून पब्लिक स्कूल देहरादून की स्थापना हो गई थी। आज हम चीख चिल्ला रहे हैं एक डबल एजुकेशन सिस्टम, ये तो 1935 में हो गया था। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं, सरकारी स्कूल बंद कर दें या पब्लिक स्कूल बंद कर दें, आप क्या कहना चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा है। राशि जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राशि जी मनोविज्ञान ये कहता है, मनोविज्ञान सर एक मिनट सुनिएगा, जब मनोविज्ञान ये कहता है कि पढ़ते वक्त बच्चे को चाहे पब्लिक स्कूल का हो चाहे सरकार के स्कूल का हो भूख लगेगी तो दोनों को एक जैसी भूख लगेगी। और आप क्या कहना चाहते हैं, मैं अभी भी नहीं समझा। अरे साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिड डे मील की व्यवस्था क्यों? अच्छा, अश्विनी शाही जी, ये लीजिए, एक क्रांतिकारी सुझाव आ गया। अश्विनी जी, एक क्रांतिकारी सुझाव आ गया कि बच्चे भूखे रह जाएं। बीएसपी नेता का ये कहना है, बीएसपी नेता का ये कहना है कि मिड डे मील बंद कर दीजिए। रहने दीजिए सर। अश्विनी जी देखिए हंस रहा है ठहाके लगा लगा करके। अश्विनी जी ठहाके लगा लगा करके हंस रहा है। अश्विनी जी, इस क्रांतिकारी, इस तथा कथित क्रांतिकारी सुझाव पर, एक मिनट मैम, तथा कथित क्रांतिकारी सुझाव पर आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा। अश्विनी जी प्लीज, बीजेपी नेता को सुनेंगे साहब, से बीजेपी नेता हो सकता है। मिड डे मील पर अब कोई बहस कर रहा है कि बंद ही कर देना चाहिए, तो भाई वो अलग बात है, मुद्दा है। लेकिन सरकार अगर कोई भी योजना चलाती है तो वो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो। मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ कि एक मिनट का समय लूंगा। ये जब वर्ण व्यवस्था बनी थी उस समय चार भागों में बांटा गया था, अभी राणे साहब भी उस पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, तो मैं लंबा नहीं ले जाऊंगा। तो उसमें सबको जो व्यवस्था दी गई थी, तो उसमें जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय शूद्र वैश्य और शूद्र की व्यवस्था थी। पैर में कांटा लगता था, यानी कि शूद्र को कांटा लग रहा है तो दर्द ब्राह्मण को होता था, और क्षत्रिय जो है उसकी रक्षा करने निकालने चला जाता था। अरे भाई, इस व्यवस्था को, अरे ये व्यवस्था करने दीजिए आप, मैं ये बता रहा हूँ लोगों की कंप्लीट, आप क्या कर रहे हैं, जिम्मेदारियां क्या दी गई वो बताइए ना। उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी ने दलित कन्याओं के पैर धोए का, उसके बाद उनके लिए उत्तर प्रदेश में कितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई। चूंकि आज से 10 साल पहले से 20 साल पहले से आवाज चली गई हाँ, 10 साल पहले 20 साल पहले से जो चीजें चल रही थी, उन चीजों को आज इस सरकार ने महेश बोले आवाज आ रही का काम किया है। और एक
दलित को दुकान बनाने के राशिद लिए जी क्या दूर लोन की बात किया है मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी की दुहाई दी जा रही है, स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री जी पांच कालिदास मार्ग में मुख्यमंत्री के आवास में प्रवेश करने से पहले उसको गोबर से साफ करवाते हैं। सर जी सुन लीजिए, गोबर की प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी आपके लिए हवा है और उनका उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अरे वो जुबान नहीं चाहिए साहब, व्यवहार में चाहिए। भोज का आयोजन किया गया कि सारे हाँ, लोग एक साथ बैठ के खाएंगे। हाँ वो सब ये न हुआ हो तो नहीं नहीं बिल्कुल हुआ है, सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, बिल्कुल हुआ है, दलितों को दिया जा रहा है, सारे के सारे भोजन, सारे के सारे भोजन फाइव स्टार होटल से बन करके आए हैं। अरे अब समरसता भोजन में गाँव में फाइव स्टार होटल कहाँ आ जाएगा? अरे ये आप ढोके लेके जाते हैं हुजूर। अरे ठीक, आप ढोके लेके जाते हैं गाँव में कल्याणकारी है तो वो पैसा जो बच्चे के खाते में जब आप वजीफा भेजते हो, फीस का पैसा भेजते हो, तो ये पैसा भी उसके खाते में भेजें ताकि उसके माँ बाप उसकी मर्जी के मुताबिक बादाम खिलाएं, कुछ खिलाएं। अरे सुरेश चंद्रा जी क्या बात कर रहे हैं, सुनिए सुनिए सुरेश चंद्रा जी, सुरेश चंद्रा जी जब जब मिड डे मील शुरू हुआ था ना ना सुरेश चंद्रा जी जब मिड डे मील शुरू हुआ था ना, गरीब परिवारों के चेहरे खिल गए थे। गरीब परिवार ये सोच रहे थे कि उनके बच्चे स्कूल भी जाएंगे, खाना खाने को भी मिलेगा, तसल्ली थी उन परिवारों में। मजदूर के बच्चे जाएंगे तो वो खुश होंगे। शाम को चला था, दरुआ मिलता था प्राइमरी स्कूल में, शाम होते होते हमको इतनी भूख लगती थी, हम सब लाइन लगा के देखते रहते थे कब मिलेगा, अपने अपने रुमाल में लेके बांधते हुए घर पहुंचते तक हमारी भूख शांत हो जाती थी। वो बड़ा पौष्टिक होता था, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा ये काम किया था, उसके महत्व को हम आज समझते हैं। सारे बच्चे सुबह बच्चों को 7 बजे जाना है, कभी खाना नहीं बन पाता है, कभी कुछ नहीं बन पाता है, पौष्टिक आहार है तो इसमें दिक्कत क्या है मिड डे मील में? ऋचा जी